नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। पाली थाना क्षेत्र के खमरिया के रजनीश का गांव के लोगों ने तमंचा लगाकर अपहरण कर लिया, जिसमें कार सवार अपहरणकर्ताओं ने खमरिया माइनर के पास से ले जाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और तमंचा की बट मारते हुए रजनीश पर फायर झोंक दिया। फायर मिस हो जाने पर युवक बच गया। अपहरणकर्ता मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए। सवायजपुर कस्बे में शिवनाथ कुशवाहा के मेडिकल स्टोर पर युवक दवा लेने गया था, इसी दौरान बदमाशों ने तमंचा लगाकर उसका अपहरण कर लिया। आपको बताते चलें कि खमरिया गांव से रजनीश सवायजपुर दवा लेने गया था। बाइक खड़ी करके वह सवायजपुर में शिवनाथ कुशवाहा के मेडिकल स्टोर पर जा रहा था, इसी दौरान कार सवार चार बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचा लगाकर उसका अपहरण कर लिया और उसे खमरिया माइनर के पास ले जाकर तमंचे के बट से मारपीट। बदमाशों ने पिटाई के दौरान युवक पर फायर झोंका, जिसमें युवक बाल बाल बच गया। युवक की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने डायल 112 पर फोन लगाया। कार सवार चार बदमाश व गांव के चार अन्य लोग युवक को मृत समझकर छोड़कर फरार हो गए। डायल 112 की गाड़ी फोन करने के 15 मिनट में घटनास्थल पहुंच गई। डायल 112 की मदद से परिजनों ने घायल युवक की CHC गौरखेड़ा के भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता दाताराम ने बताया कि रंजिशन गांव के लोगों ने मारने की नीयत से बेटे का अपहरण किया, जिसमें पिता की शिकायत पर पुलिस ने गाँव के 8 लोगों अवनीश, विशाल, अवदेश, आदेश, सरोज, प्रद्युमन उर्फ टिगी, पंकज, अनूप पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। जीवीएन 24 न्यूज के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। रजनीश यादव पुत्र दाता राम है, ये खमरिया गांव के रहने वाले हैं। खमरिया सवायजपुर में पड़ता है, रूपापुर के पास। ये कल सवायजपुर में दवा दुकान पर दवा ले रहा था। उस समय कुछ व्यक्ति, जैसा कि बताया गया कि चार व्यक्ति आए कार से अपने और आईटेल कार से, और इसको वहीं दवा की दुकान से इसको उठा लिए और कार में ही इसके साथ मारपीट की गई और उसको खमरिया के पास सड़क पे फेंक गए। इसमें और जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि ये रजनीश जो है, जो व्यक्ति ये उठाए हैं, विशाल, आदेश, पंकज आदि, इनके भाई के मर्डर में शामिल था 2020 में। इसमें जेल भी गया था, जमानत पे छूटा था शायद नवम्बर। और ये जब जानकारी हुई मारने पीटने की, तो पुलिस जो है तेजी से तलाश किया और इन व्यक्तियों को मैं आईटेन कार और 315 बोर के तमंचे के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से कारतूस, जिंदा कारतूस और उसमें लोडेड भी था, बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है 364 IPC का और चार व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है।